आज का जो व्लॉग है वो हमारा स्टार्ट होता है पूड़ियों की डोसे, मतलब कि आटा गूंद रहे थे हम लोग पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो जल्दी से मतलब ऑलमोस्ट हो गया था, इसको बस डन किया और फिर इसका रेस्ट ही रेस्ट देने के बाद पेड़े करने स्टार्ट कर दिया हमने। और यहाँ पे सारे के सारे जो पेड़े थे छोटी छोटी बॉल्स वो बन चुकी थी, एंड देन इनको थी बनाने की बाड़ी। तो फिर अम्मी ने इनको बनाना शुरू किया और यू नो पलट पलट करके फिर इनको ऑयल में डाल दिया। हालांकि जो ऑयल था वो भी इतना गर्म नहीं हुआ था, क्योंकि गैस जैसे कि आता है वही सूरत हाल थी। तो मैं परेशान हो गई कि इस बेचारी को हो गया, ये चुपचाप है, वो शाशा नहीं है। लेकिन फिर उसको पड़े रहने दो कि थोड़ी देर बाद जाकर गैस हुआ थोड़ा तेज़। तो फिर उसने कहा कि भाई अब मैं फुल तैयार हूँ बनने के लिए। तो फिर हमने वो पूड़ियाँ को बनाया और जल्दी से वो बन गई। उसके बाद हमने हलवे की मेकिंग स्टार्ट की। हलवा बनाते साथ मैंने ना अपने लिए एक मैदे का पराठा बनाया था, मतलब बलों वाला पराठा बनाया था खुद, तो वो भी अच्छा बन गया था। ये देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आया उसका। तो बस, और उधर हलवा जो है वो भी तैयार हो रहा था, बस थोड़ी देर में हलवा तैयार हो जाना था। और ये कोई ख़ास वजह नहीं थी हलवा पूड़ी बनाने की, क्योंकि घर वालों ने बोला था कि चने बनाने हैं। तो ये मैं अपनी नेल पेंट दिखा रही थी और हाँ, घर वालों ने कहा था कि हलवा पूड़ी खानी है। तो ये जो हलवा पूड़ी है हमारी बन चुकी थी, चने जो थे वो हमने पहले बना लिए थे। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि भाई हलवा है और चने और ये रही पूड़ी, इतनी मज़ेदार बनी थी ना यार, ओवरऑल टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट था इसका। तो मेरे तो मुँह में अभी भी पानी आ रहा है। खैर, बाकी जो है आप लोगों को ये मेरा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। एंड यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड गिव बिग थम्स अप। तो बस फिर।